गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द टेक। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं अपनी बाइक पल्सर 150 की जो स्प्लिट सीट है उसको मैं और भी ज्यादा मॉडिफाई करके दिखाने वाला हूं। ओके, एक स्पोर्ट लुक देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और दोस्तों, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पल्सर 150 पिकअप परफॉर्मेंस बूस्ट यानी पिकअप को और भी ज्यादा बूस्ट करने पर होगी, जिसका तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, सबसे अलग होगा, बिल्कुल ही यूनिक होगा। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में कहता हूँ, आपको ऐसी वीडियो पूरे YouTube पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मेरा जो तरीका होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही यूनिक होगा, सबसे अलग होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब तक की वीडियो में आपने देखा अपनी सीट बन चुकी है। ओके, आप लुक भी देख सकते हो, लुक बड़ा जबरदस्त आया है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, जब मैंने इसे इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद जब मैंने अपनी बाइक को राइड किया तो पोजीशन में कुछ मजा नहीं आया। आप देख सकते हो लुक तो बड़ा जबरदस्त आया अपनी सीट का, ये देखिए। ओके, लेकिन राइडिंग पोजीशन कुछ मजा नहीं आया, ऐसा लगा जैसे मैं गड्ढे में बैठा हूँ। ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा सा लग रहा है, जबकि मैंने बहुत ही पतली लेयर लगाई है, और ये वहीं बहुत ज्यादा डाउन सा फील हो रहा है। ओके, बैठने में ऐसा लगता है जैसे गड्ढे में बैठे हुए, बाइक पोजीशन राइडिंग की अच्छी नहीं आ रही है। और जिसने इसमें पिन लगाया दोस्तों, उसने भी इतनी टाइट करके लगा दिया कि मतलब इसका जो ये लेवल था फ्लैट सा हो गया है। ओके, और इसका तो उसने नाश ही कर दिया, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कहाँ तक कट कर दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। दोस्तों इसी तरह की वीडियोज मैं अपने इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन मैं सबसे हट के और बिल्कुल ही यूनिक वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों को हर बार कुछ नया अपनी बाइक में कुछ नई मॉडिफिकेशन अपने ही हाथ से करके दिखाऊं, ताकि आप भी अपनी बाइक को एक नया लुक दे सकें, एक अच्छा लुक दे सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। लगभग वापस से इस पे मैंने फॉर्म ऐड का काम कर दिया है। ओके, और अभी शेप नहीं दिया, ये आप देख सकते हो मैंने टेप चिपका के सिर्फ इसके अंदर जो मैंने फेविकोल का यूज किया हुआ है तो उसको वो चिपक जाए, इसलिए मैंने अभी इस कवर को सिर्फ ऐसे ही चिपका दिया है। ओके, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आया, और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फॉर्म थोड़ा सा लगाया हुआ है, तो इसको अभी भी कट करना है और छांटना है, वापस से इसको खोलना पड़ेगा। ओके, अब आई बारी इसकी दोस्तों। ये एक्चुअली मुझे ये बिल्कुल गोल सा जो लेवल हो गया ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको एक शेप दूंगा मैं बिल्कुल, जो मतलब जिससे अपनी ये आउटलाइन खड़ी नजर आए, उस तरह की शेप दूंगा, और वो शेप दूंगा इस पीओ फॉर्म से, इस वाली फॉर्म से। ओके, कुछ ले मेरे को इसकी ये सारी पिनें रिमूव करनी होगी, और इसको भी खोलना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिए और थोड़ा सा और मैं इसको एक लेयर डाउन करूंगा इसकी। तो देख सकते हो दोस्तों, वापसी मैंने इसमें फॉर्म ऐड कर दिया है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ भी और यहाँ भी, और वहीं दूसरी चीज इसका मैंने लेवल थोड़ा सा और डाउन किया है। ओके, इसकी घिसाई करके, और यहाँ मैंने डबल टेप चिपका लिया है, इसको मैं इस जगह चिपकाऊंगा। तो अब तक का तो सारा प्रोसेस लगभग आपको मैं अपनी पिछली वीडियो में सारे में दिखा चुका हूँ, कैसे फॉर्म ऐड करते हैं, कैसे इसकी रबिंग करते हैं, किस तरीके से इसको फिनिशिंग देते हैं। ओके, ये सारा काम हो चुका है अपना। अगर आप अपनी बाइक में इस तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहोगे तो मैंने जो गलती की है ये फ्रंट सीट का फॉर्म कट करने की, ये आप मत करना। इसमें ही आप अपना फॉर्म ऐड करके इस तरह का लुक अगर आपको देना हो तो इधर से इस तरह से कट कर लेना। ओके, और शेप देने के लिए इस पीयू फॉर्म का यूज कर लेना। ओके, अब आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि अपनी पिछली सीट को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने इसकी कटिंग और रबिंग का काम सारा कर लिया है, और वहीं इसका लेवल भी थोड़ा और डाउन कर दिया है। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने एक्स्ट्रा फॉर्म इसमें ऐड किया हुआ है, इसकी बिल्कुल पीछे से मैंने रबिंग कर दी है और इसके लेवल में ला खड़ा कर दिया है। वहीं जब आप साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें थोड़ा सा फोम ऐड है। ओके, लेकिन जब इस पर कवर लग जाएगा तो कोई भी इस चीज को नहीं कह पाएगा कि इसमें फोम ऐड किया हुआ है। ओके, अब इस पे मैंने ये डबल टेप अपनी चिपका ली है, तो चलिए अब हम इस पे काम कर लेते हैं अपना। अब हमें इसके अकॉर्डिंग अपनी सीट की इस शेप के अकॉर्डिंग इसको कट कर देना, ये ऊपर से, साइड से, दाएं से, बाएं से, और ये नीचे से, इस जगह से।
मेरे पास कुछ इस तरह का ब्लेड है। दोस्तों अपने इस फोम को कट कर लेते हैं अपने इस ब्लेड की हेल्प से। एक चीज़ बता दोस्तों, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मैंने इस ब्लेड को उल्टा लगा लिया ताकि मेरा जो है काटने का आसानी से एंगल बन सके। ओके तो फाइनली दोस्तों अपना ये फॉर्म ऐड का काम भी हो गया और इस पे पीयू फॉर्म का भी एडिंग का काम हो गया है। लगभग सारा काम अपना फिनिश हो चुका है। अब बस इसको कवर करना है और कवर करके वापसी इसको इंस्टॉल करना है। ओके फाइनली दोस्तों देख सकते हो मैंने इस पे पिन का काम कर लिया है, अपनी एक सीट पे पिन का काम कर लिया है और ये मैंने पिन लगाया है अपने इस प्रेशर गन से। ओके आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ पिन का काम भी कर लिया इसमें मैंने, तो इंस्टॉल करके मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। दोस्तों देख सकते हो आफ्टर इंस्टॉलेशन इसका कुछ लुक इस तरीके से आया हुआ है। मेरी ये बाइक चला के दिखा दे दो। दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं श्योर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और